ये तो छोटी बात है ना, गिरफ्तार कर। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए, क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहने। स्टाइपेंड्स पे चलने वाले थे, अरबपति बन, यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। -1 फार्मूला, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये जो साजिश है इसको हमने नाकाम बनाना है। तो दैट इज द फाइनल कॉल। आज हम सब ने शाम को निकलना है। इस हवाले से पीटीआई की जानिब से एक बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जहां पर मुल्क भर से पीटीआई के कारकुनान और आवाम जो है मुख्तलिफ 36 शहरों में इन मुकामात पर इकट्ठे होंगे। डिस्क्वालीफाई करना या कंटेम्प्ट में उनको गिल्टी फाइंड करना, ये तरीका होगा उनको इलेक्शन से निकालना। कि मतलब जिस बंदे ने इस्लामोफोबिया का केस लड़ा उसके खिलाफ तौहीन मजहब का पर्चा दर्ज करा दिया, ग्रीन मिनिस्ट्री के साथ खड़ा हुआ उस पर दहशतगर्दी का पर्चा करा दिया, जिसने चीफ जस्टिस मूवमेंट चलाई थी, जिसने चीफ जस्टिस 2008 का इलेक्शन बाइकआउट किया था, जिस बेस के अदलिया आजाद होनी चाहिए उस पर तौहीन अदालत का केस हो गया।